नाम है आपका? मेरा सर बाबू भारती नाम है मेरा। अच्छा, किस तरीके से आप जो है इस कोरोना के समय में जो है गाड़ी में रह करके जो है क्या किस तरीके से समय दे पा रहे हैं? गाड़ी में सब ऐसा है सर, मतलब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है हमें। मतलब ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, अपने गाड़ी की सीट पर लेटे रहते हैं। अगर फोन मारा कि चलो सर कि जी आ जाओ सर, एकदम हमारा काम जो है वो इमरजेंसी में एकदम जाने का काम इमरजेंसी में रहता है। और गाड़ी में सोने से ये फ़ायदा है कि हम एकदम से टीम अपने साथ टीम को लेके एकदम पहुंच जाते हैं मौके पर। और खाना पीना सब हमारा यही है, जहाँ पर मिलता है वहीं अपना रख लेता हूँ, खाना ले लेता हूँ वहीं, दोपहर का खाया शाम का ले लिया, ले चल लिया खाने का भी। और जैसे मेरे ये फ्रूट केले रखे हैं, कहीं फल मिल जाते हैं वो लेकर रख लेता हूँ अपने केले खाते रहता हूँ। अच्छा, आप जो परिवार से दूर हैं तो इसका कारण क्या है, क्यों आपने जो मतलब ऐसा नहीं सोचा कि घर परिवार में रहूं जा करके मैं? हाँ, परिवार से मैं इसलिए दूर हूं कि जो मैं हालात देख रहा हूं कि हो सकता है कि मेरे परिवार के ही ऐसा ना हो, इसलिए मैंने परिवार से मैं दूर नहीं जाता। गाड़ी में सोचता हूँ कि जो भी बात है वो मेरे ऊपर रहे, परिवार में नहीं आनी चाहिए। कब तक आप ऐसा जो करेंगे? मैंने दिल में ये ठान लिया है कि जब तक ये चलेगा, जब तक मैं अपने जीत के जंग जीत के ही जाऊंगा घर से भी चलाऊंगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए पूरी तरह से जो लगे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से, अगर मेरी जान भी अगर इस करोड़ में जागी, गाड़ी में अगर मेरी डेट भी होती है तो मेरी करोड़ में ड्यूटी टाइम पर होनी चाहिए, मैं इससे हारूंगा नहीं बिल्कुल। बाबू जी, क्या पद है आपका स्वास्थ्य विभाग में, क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ स्वास्थ्य विभाग में, गाड़ी लगी हुई है मेरी डॉक्टर नीरज की टीम के नीचे। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र होगी कोई 48-49 आसपास। 49 साल के? हाँ। अच्छा बाबा, कैसे कैसे रहते हैं, दिन रात क्या करते हैं आप? मैं इनके साथ में रहता हूँ सुबह से, और 2 ही बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, कभी 1:30 बज जाता है। मतलब जाने के लिए तैयार एकदम, जहाँ से खबर आई एकदम से जाने के लिए तैयार रहते हैं, करंट में एकदम पूरी टीम। कितने दिन हो गए आपको सोए हुए और घर गए हुए? लगातार सुना है एम्बुलेंस में सो रहे हैं आप? हाँ, लगातार इसी अपना यही मेरा आशियाना है, इसी के अंदर रहता हूँ। अपना नहाना धोना सब नल के ऊपर, कपड़े हाथ से धोने और खाना पीना सब मेरा इसी के अंदर। खाना कभी डॉक्टर साहब भेज देते हैं घर से, और कभी चौकी में जो आता है खाना बैठने के लिए उसमें से ले लेता हूँ, और फल फ्रूट भी अपने। हाँ, ये है कि जब ये कोरोना के जो मरीज निकलते हैं और हम जाते हैं फील्ड में, तो 108 आती है, उसमें मरीज ये जाते हैं, शिफ्ट होते हैं और फिर ज़िले में पहुँचते हैं, और हम भी फिर जब डॉक्टर साहब को छोड़ कर फ्री हो जाते हैं तो फिर अपनी गाड़ी में हम अपना ये सोने का वो देखते हैं। घर हम इसलिए ना जाते क्यों, ये कोरोना का जो है बीमारी यानी हम तक ही रहे तो बढ़िया है, ये हमारे बच्चों में नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये कोरोना यहाँ से मतलब बिल्कुल विदा नहीं हो जाएगा, यानी जब तक हम इसे जंग लड़ते रहेंगे, और घर भी हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक क्या मतलब ये यहाँ पर कोरोना रहेगा। हम चाहते हैं कि बिल्कुल जब ये कोरोना बिल्कुल सही हो जाए उसके बाद ही हम घर जाएंगे अपने। के साथ ये जो बाबू भारती जी हैं, क्या क्या इनका जो है वो रहता है आपके साथ जो योगदान, और किस तरीके से आप लोग जो है रहते हैं? बाबू भारती जो हैं हमारे RBS के टीम के ड्राइवर हैं, और ये पिछले लगभग 7-8 साल से हमारे साथ हैं। और इन लोग ये तो सबसे मेनली इनका काम है कि हम लोगों को फील्ड में ले आके जब हम स्क्रीनिंग करते हैं जब तक ये हमारे साथ रहते हैं। लगभग 2 बजे इनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी, मगर जब से कोरोना शुरू हुआ है जब से इनकी 4 गुना ड्यूटी इन्होंने शुरू कर दी। मात्र इन्हें 17,000 रुपये मिलते हैं गाड़ी के तेल से ही, गाड़ी भी इनकी है, तेल भी इनका है, ये खुद चलाने वाले हैं मात्र 17,000 रुपये में। ये मैं तो ये समझ रहा हूँ इन दिनों में ये इनकी जेब से ये अपना तेल भरवा रहे होंगे। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसा हो सकता है हम लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट। अभी जैसा जो कोरोना का जो संक्रमण जो चल रहा है तो कैसे परिवार के बीच में जो जा पाते हैं या नहीं जा पाते, क्या रहता है उनको? मेनली 24 घंटे ही भागा दौड़ी रहती है, तो कभी भी हम लोग जैसे रात में निकलते हैं तो फ़ोन करके हमें तुरंत निकलना पड़ता है,
तो उसके अनुसार ही इन्होंने भी अपने आप को ढल लिया। इन्होंने भी अपने चार छः जोड़ी कपड़े गाड़ी में रखे हुए हैं, गाड़ी में सो जाते हैं ये। और जैसे ही मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ, रैपिड एक्शन टीम का मैं प्रभारी हूँ संभल में, जो टीम जो कोरोना के संदिग्ध लोग हैं उन्हें लेके आती है PFC तक जांच करके, मैं उसका प्रभारी हूँ। और मैं इन्हें कभी भी किसी भी टाइम अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो हमेशा इमरजेंसी ही रहती है। तो ये इन्होंने गाड़ी में सोना शुरू कर दिया जब से। अब ये इनका अपनी सोच थी कि अगर मैं गाड़ी में सोऊंगा तो अच्छी सेवा दे पाऊंगा। तो बहरहाल जब से ये गाड़ी में ही सो रहे हैं, लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 23-24 मार्च से ये लगातार जो है घर नहीं जा पा रहे हैं।